नमस्कार सभी को। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज जैसे कि आपने रिकमेंड किया था उसी के अनुसार पोस्ट नेटल यानी सूतिकाजन्य ओबेसिटी के बारे में चर्चा करते हैं। सूतिकाजन्य ओबेसिटी या अगर इसको हम लोग स्थूलता माने, मेदो रोग माने, जो भी है आयुर्वेद के आचार्य चरक बताते हैं स्थूल एवं वर्म कार्श एवं वर्म स्थूल, यानी कुछता और स्थूलता दोनों भी डिफिकल्ट है। कई बार ऐसे होता है कि स्थूलता तो ठीक है, हम लोग वेट लॉस तो कर सकते हैं, बट कुछता भी उतनी ही कठिन होती है। तो आज हम जानेंगे कि पोस्ट नेटल यानी सूतिका के पश्चात, जैसे ही कोई महिला की प्रसूति होती है, डिलीवरी होती है, उसके बाद उसका वजन बढ़ता है। आमतौर पर सभी महिलाओं की ये शिकायत होती है कि मेरा वजन बढ़ गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी है और इसमें हम लोग क्या विचार कर सकते हैं, इसी को लेकर आज का ये सत्र हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सूतिका, सूतिका यानी एवरेजली सूतिका अगर जो है वो टर्मिनोलॉजी आफ्टर द डिलीवरी यानी प्रसूति के पश्चात कम से कम 1.5 महीने तक उसको सूतिका माना गया है। कई बार मैंने एक्चुअली सूतिका अवस्था पर कई बार हमने सेशंस लिए हैं, डिस्कशन किया है। सभी का ये कहना था कि जो वर्किंग वुमन है उनको कितने दिन तक सूतिका परिचर्या का पालन करना चाहिए। तो मेरे विचार से कम 1.5 महीना आपको सूतिका परिचर्या का पालन करना ही चाहिए। उसके पश्चात भले चाहे आप ड्यूटी ज्वाइन करें, कामकाज धीरे धीरे शुरू करें, 1.5 महीना, फिर 90 डेज, 6 महीना, ऐसे अलग अलग आचार्य मानते हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने भी जो पोस्टनेटल अलग लीव होती है उसको 6 महीने का कर दिया, तो उसका मतलब है ओवरऑल पूरा 9 मंथ से लेकर बच्चे का अच्छे से पालन पोषण हो जाए और अच्छे से केयर हो जाए, इसी लिए सारा किया गया। अभी सूति का पश्चात देखिए, गर्भिणी अवस्था में या मेंस्ट्रुअल जो सारा एक हमारा पैटर्न होता है ना, लाइक 12 इयर्स से 50 की आयु तक शरीर में दोषों की स्थिति कैसी होती है। मुख्य रूप से योनि या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दे आर अटैच्ड और दे आर कंसर्न और गवर्न विद द वात दोषा एंड अपान वायु। तो अपान वायु का ही यह दो क्षेत्र है, अपान वायु ही गर्भ, शुक्र, शकृत इन सभी का निष्क्रमण का कार्य करता है। ठीक है, तो गर्भिणी अवस्था में भी अगर वात का प्रकोप हो जाए तो हमने देखा IUGR, गर्भशोष से लेकर गर्भपात, गर्भस्राव जन्य स्थितियां उद्भवती है, उत्पन्न होती है। तो यानी वात दोष, यानी वैसे तो तीनों दोषों को ही हमें संभालना है, बट खास करके स्त्री रोगों की या स्त्री के आरोग्य की बात करेंगे तो वात दोष का बड़ा ही इसमें रोल होता है। वैसे वायु तंत्र धरा या वायु को हमने इतना महत्व दिया ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, गर्भिणी अवस्था में ये सारे जो गर्भिणी परिचर्या बताई उसका पालन करना चाहिए। प्रसूति के पश्चात भी सूति का परिचर्या उतनी ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना बाकी सारी बातें इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपके ये सूति का परिचर्या है। सूति का परिचर्या का अगर आप ठीक से पालन नहीं करते हो तो वहां पर भी ये सारी समस्या आ जाती है। अभी मुझे जैसे आपने बताया था कि सूति का अवस्था में शुरुआत कैसे करें, किस प्रकार से ये परिचर्या पूरी हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए। अलग अलग आचार्य इसके बारे में अलग अलग राय देते हैं, बट मैं बाकी कुछ नहीं बताऊंगी आज के सत्र में, क्योंकि आपका खास रिकमेंडेशन था डाइट को लेकर। तो डाइट को लेकर आहार कैसे होना चाहिए, मैं अभी जो हम लोग फॉलो करते हैं, मैं जो सजेस्ट करती हूँ ये पैटर्न मैं बताती हूँ, उसमें हम दो प्रकार से विचार करेंगे, एक तो नॉर्मल डिलीवरी और दूसरा है सिजेरियन यानी कृत्रिम प्रकार से कृत्रिम प्रसव। तो नॉर्मल डिलीवरी जब होती है आमतौर पर तीसरे दिन से थोड़ा लाइट डाइट दिया जाता है। पहले दिन जैसे थोड़ा पतला सा कुछ चाय, दूध, कॉफी या फलों का रस दिया जाता है। फिर नेक्स्ट डे को फिर स्टैटिक मूवमेंट्स को देखकर, उसका कोष्ठ, अग्नि और मल मूत्र की प्रवृत्ति को देखकर थोड़ा सा पतला वाला सेमी सॉलिड लाइफ का खिचड़ी या जैसे कि सोजी का कोई हलवा है या कुछ लाइक उपमा है, सेमोलिना है, ऐसे खीर है, ऐसे आइटम दिए जाते हैं। सूति का अवस्था में जीवनीय मधुर गुणों का अधिक से अधिक प्रयोग करना है और मुझे लगता है कि यही कारण आगे चलकर समस्या बन जाता है जिसके साथ वेट अधिक बढ़ जाता है। तो ये सेकेंड डे पे हो गया, और फिर तीसरे दिन पे आप फल का एक आध कोई सब्जी भी दे सकते हैं। एलोपैथी डॉक्टर्स तो दूसरे ही दिन पूरा ही डाइट बता देते हैं, बट जैसे हम लोग आयुर्वेद में थोड़ा सा विचार ये करते हैं कि आम की उत्पत्ति है, कहीं ना कहीं अग्निमांड होता है, और इस आम का पाचन कराने के लिए हम लोग पूरी तरह से इसका पाचन कराते हैं और पूरी परिचर्या का पालन कराते हैं। अभी सीजरियन डिलीवरी की बात करते हैं। सीजरियन डिलीवरी अगर हो जाती है तो उसके पश्चात यानी जैसे कि
एब्डोमिनल ये देखकर ही हम लोगों को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखकर, वैसे आईवी तो चलता है एक दिन के लिए, फिर सेकंड डे को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखकर उसको थोड़ा पानी चाय वगैरह दिया जाता है, फिर थर्ड डे को और थोड़ा पतला, फिर फोर्थ डे को हम लोग उपमा जैसे कुछ सेमी सॉलिड खिचड़ी जैसे दे सकते हैं, फिफ्थ डे को फुल्का दे सकते हैं। तो ये एक मेरा अनुभव है कि इस प्रकार से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। होता क्या है, दोनों भी बातें हैं, प्रसूति और लाइक सीजरियन नॉर्मल, और दोनों भी हो। मैंने देखा कि सीजरियन जो डिलीवरी होती है ना उसमें ज्यादा समस्या आती है। होता क्या है कि सीजरियन के बाद जो स्टिचेस वगैरह होते हैं उसको लेकर घर में, महिला के घर में या महिला को खुद से बहुत ही चिंता होती है कि मैं थोड़ा सा भी काम करूंगी तो मेरा लाइक स्टिचेस का समस्या हो जाएगा, स्टिचेस अच्छे से हील नहीं होते हैं। तो वो मैंने कुछ लोगों को देखा है ना कि सीजर के बाद 6-6 महीने बेड से नीचे उतरते नहीं है और इतने लेजी उनकी लाइफस्टाइल हो जाती है। तो हमारा गर्भाशय, स्त्री का गर्भाशय, इट इज द हॉलो ऑर्गन, आशय, अवस्थान प्रदेश, एंड यहाँ पे वातदोष रहता है। तो पहले तो गर्भाशय की साइज जो थी नॉर्मल होती थी, बट जैसे उसमें गर्भस्थापना हो जाती तो गर्भाशय काफी स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेच होता है, और फिर प्रसूति के पश्चात भी जो एक अंदर का वैक्यूम बना हुआ होता है वो काफी समय तक वैसे ही रहता है, इसी में वात बैठ जाता है, यहाँ पे ही वातदोष का आश्रय हो जाता है खालीपन आने से। जैसे मैं हमेशा पढ़ाती हूँ कि आमाशय में हम लोगों को जो हंगर कॉन्ट्रैक्शन फील करते हैं हम लोग, व्हाट आर दिस हंगर कॉन्ट्रैक्शन, दीज आर नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट्स। आपका आमाशय खाली है, रिक्त है, तो वहां पे वायु है और डकार आते हैं, जैसे जैसे अन्न पेट में चला जाता है वैसे वैसे वायु बाहर आता है, और इसी को हम लोग समझते हैं डकार आ गई तो पेट भर गया। तो ये डकार यानी इट इज नेचुरल प्रोसेस, जो आमाशय में वायु की जगह वायु बढ़ गया था अन्न का सेवन करने के पश्चात, ये वात दोष का शमन होकर वो शरीर से बाहर निकलता है। सेम थिंग यहाँ पर भी होती है गर्भाशय में भी, प्रसूति के पश्चात ये जो जगह है उसमें वात दोष बैठ जाता है, और इस वात दोष के कारण ही आगे चलकर लाइक हम लोगों को ये वेट बढ़ने की समस्या हो जाती है और वात का प्रकोप हो जाता है, और इसी कारण से एक प्रकार से पेट का फूलना है या एब्डोमिनल जो एक कैविटी है वहां पर भी ये प्रकार का धीरे धीरे वेट बैठ जाता है या जम जाता है। तो इसीलिए सूतिका अवस्था में अगर आपको वेट नहीं बढ़ाना है तो आपको पूरी परिचर्या का पालन तो करना ही है, इसके साथ साथ वात दोष का शमन करना है। इसीलिए मैं आपको इसमें थोड़ा सा मेडिसिन भी ऐड कर दूंगी कि आम पाचन, पेशेंट की स्थिति देखकर शुंठी सिद्ध जल, यवागु, उष्ण जलपान, सड़ंग पानी, ऐसे सभी प्रकार के जलों का प्रयोग, शुद्ध शीत जल, सुवर्ण सिद्ध जल, ऐसे जलों का पान अगर हम लोग करवाते हैं तो उसकी धातु की जो लेवल है, धातु का पोषण है वो भी बना रहेगा, और इसी के साथ साथ आम का पाचन होकर वेट नहीं बढ़ेगा, अग्निमान्द भी नहीं होगा, और ना कि अधिक ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी उसको। तो ये आम पाचन जरूरी है मेरे विचार से, जो आगे चलकर जैसे कि आम अगर ऐसे ही संचित हो जाता है तो डाइजेस्टिव समस्या आती है, अग्निमान्द होता है, और अग्निमान्द होकर फिर कहीं ना कहीं जो एक स्थूलता की अगर हम संप्राप्ति को विचार करेंगे तो उसमें जो अग्निमान्द है, दोषों का प्रकोप है, फिर मेधो स्त्रोतस का अवरुद्ध होना, और जो भी धात्वाग्निमान्द के कारण जो भी आहार लिया जाता है उस आहार से और आहार रस से केवल मेद धातु का पोषण होना, ये सारी मतलब मेदो रोग में स्थूलता में केवल मेद धातु का पोषण होता है और बाकी के धातु अपचित रह जाते हैं, और इसी कारण से हम लोगों को ये वात का शमन करना है। इसीलिए फिर दशमूलारिष्ट दिया जाता है, सौभाग्य शुंठी पाक है, प्रताप लंकेश्वर रस है, और सारे जो भी मेडिसिन दिए जाते हैं घरेलू लाइक बड़ी शोप का पानी है, अजवाइन का पानी है, जो कि आम पाचन, अग्निदीपन और शमन वात दोष का शूलग्न द्रव्य होते हैं। सो अजवाइन, हींग, धूपन करवाना, मसाज करवाना, इन सभी से हम लोग क्या चाहते हैं, मसाज, अभ्यंग संवहन क्यों किया जाता है, तो वात दोष का शमन हो। प्रसूति के दौरान नॉर्मल अगर डिलीवरी होती है तो लेबर पेज, लेबर के दौरान जो भी सारी प्रक्रिया से स्त्री को गुजरना पड़ता है उसके साथ ही यस दी ऑल दीज ऑर्गन्स आर गवर्न बाय वात दोष, तो इस वात प्रकोप का शमन करना जरूरी है। अभी सीजर की बात करते हैं, सीजर में भी जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा टेक केयर होता है, और मतलब महिला मैंने देखा कि उसके साथ दो दो तीन तीन लोग रहते हैं, तो ठीक है, मतलब मैं इसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि केयर करनी चाहिए, बट ओवर केयर करने से भी कई बार ये होता है, और फिर सीजर हो गया, ऑपरेशन हुआ है तो उसको बहुत ही ज्यादा खिलाया पिलाया भी जाता है, और उसके तुलना उसके कंपेरेटिवली
उसका एक्सरसाइज या उसका जो विहार है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, मतलब उसको काम नहीं किया करने देते हैं, बच्चे को संभालते संभालते केवल बच्चे को ही संभालना ही उसका काम रह जाता है। तो इसके साथ उसकी जो एक प्रकार से टेंडेंसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल बन जाती है, जिसके साथ भी वजन बढ़ने की संभावना होती है। तो इन दोनों केसेस में मेरा ये मानना है कि 1-1.5 महीने का काफी ना। तो इस प्रकार से हम स्थूलता की बात कर रहे थे, खास करके पोस्टनेटल स्थूलता के बारे में बात कर रहे थे। तो मेरे विचार से 1-1.5 महीने की परिचर्या पालन हो गया तो महिला को घर के अंदर घर के ही छोटे मोटे काम, बच्चे के काम, अपने खुद के काम, भले परिवार वालों के नहीं बट अपने खुद के काम अगर वो खुद से करने शुरू हो जाती है तो एक प्रकार से मतलब मोबिलिटी या एक जो परिवर्तन चाहिए, विहार जिस प्रकार का प्रॉपर होना चाहिए वो होना यहाँ पे शुरू हो जाता है। हल्के से घर में चलना हो गया और हल्के हल्के छोटे मोटे काम करना हो गया, तो ये 1.5 महीना करे। फिर 3 महीने के बाद एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन, आई रिकमेंड 3 महीने के बाद आप पूरा काम अच्छे से कर सकते हो, भले वो नॉर्मल डिलीवरी हो या भले वो लैक्सीजर डिलीवरी हो। तो 3 महीने के बाद आप ऑफिस काम जो भी है वो सारा ज्वाइन करें, ताकि कहीं ना कहीं जो एक एक स्थूलता का मुख्य कारण है आलस, मधुर शीत गुण, आलस, स्ट्रेस लेवल। और ये स्ट्रेस लेवल जब आप घर में होते हैं, और घर में होते हैं कुछ अलग सा पर नहीं होता है, वही वही काम होते हैं, आप कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे होते, तो स्ट्रेस अकेलापन भी होता है कई बार। और इस स्ट्रेस अकेलेपन के कारण भी ये स्ट्रेस बड़ा फैक्टर है। और मैंने देखा कि हैबिचुअल ईटिंग, बच्चे हैं और कई सारे लोग होते हैं ना, बोर हो रहा है, अकेलापन है, तो वे फिर अकेलेपन में और बोर होता है इसके कारण भी खाते हैं, क्योंकि खाने से एक प्रकार का ये होता है, रिफ्रेशमेंट होता है, मेंटल जो एक सेटिस्फेक्शन सेटाइटी होती है वो भी मिल जाती है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा 50% ऑफ पीपल ईट ड्यू टू बोरिंग, लाइक बोर हो रहा है तो कुछ खा लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये आदतें ही फिर आगे चलकर रिस्पॉन्सिबल बन जाती है आपके ओबेसिटी के कारण के लिए। तो मेरे विचार से ये स्थूलता के पश्चात और इसके साथ साथ हार्मोन का जो बदलाव है, अभी इसमें देखिए कई महिलाओं की ऐसी प्रकृति या पैटर्न ऐसे होता है ना कि उनको मेंसेस नहीं आते। अभी मेंसेस ठीक से नहीं आने का कारण है रस धातु, तो रस धातु की कारण ही जैसे आर्तव स्रोतस अवरुद्ध हो गए थे पहले, तो और वहां पे अपरा का ही निर्माण हुआ था और स्तन्य का पोषण हुआ था, तो रस धातु को अपने नॉर्मल लेवल पर आते आते, अब ये महिलाओं में अलग अलग पैटर्न होता है, कुछ महिलाओं में तुरंत मेंसेस आ जाते हैं, कुछ में नहीं आते हैं, तो ये भी एक वहां पर कारण हो सकता है जिसमें स्थूलता बढ़ जाती है। और बाकी सारा आहार विहार सारे फैक्टर उसमें होते हैं जिसके कारण, यानी आहार विहार, मानसिक हेतु, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के अंदर होने वाले बदलाव, ग्रोथ हार्मोन में होने वाले बदलाव, और इंटेलेक्चुअल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर होने वाले बदलाव, इन सभी के कारण महिला के ओबेसिटी का शिकार, सूतिका जन्य पोस्ट नेटल ओबेसिटी इट इज अ सिंड्रोम, ये एक शिकार उसकी बन जाती है। तो इन सभी कारणों के, इन सभी हेतुओं के ऊपर भी हम लोगों को काम करवाना है या हम लोगों को काम करने की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर भी बता रही थी ना कि किस प्रकार का भी होना चाहिए, तो एक शुरू का मैंने बता दिया। इसमें अभी आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है लिक्विड ग्रुएल यानी खिचड़ी, ग्रुएल ऑफ राइस, और जिसमें आपको पिपली डालना है, पिपली डालकर, बिकॉज पिपली दीपन पाचन, आम का पाचन करेगी और अजीर्ण अग्निमांद्य ये काम करेगा वो कम करेगी। तो पिपली, चित्रक एंड चौवियम, इसका सिद्ध यवागु यानी खिचड़ी आपको पिलानी है, एंड 5 से 7 दिनों तक इसमें आप शुंठी भी डालिएगा जो आम पाचन करेगा। और शुंठी पिपली अगर डाल देते हैं
मुझे नहीं लगता आगे किसी का वजन बढ़ सकता है, बिकॉज ये उष्ण है, विपन्न पाचन भी है, और हम लोग स्थूलता की भी चिकित्सा करते हैं तो शुंठी और इन सभी द्रव्यों का विचार करते ही है। और ये कुछ सारे द्रव्यों या इन सभी से पकी हुई जो खिचड़ी है, इसका हम लोगों को सेवन करवाना है। कुछ आचार्य चरक ये भी बताते हैं कि स्नेह ना यवा, कर अरे सारे तो क्या है यवागु में आप घृत डालकर घृत दीजिएगा। घृत बहुत ही जरूरी है व्रण रोपण के लिए और ताकत के लिए भी जरूरी होता है। तो इसमें आप स्नेह यवागु या क्षीर यवागु, यानी यवागु में दूध मिलाकर उसको अच्छे से, आपको विदारी गंध आदि जो गण है, यानी विदारी गंध है, आप इसमें जीवनी गंध के द्रव्य काकुली, क्षीर काकुली, बला जैसे, और अगर पेशेंट को चलता होगा तो मांस रस भी आप इसमें डाल सकते हैं, जामगल मांस रस, जो आप चौथे दिन से चौथे पांचवें छठे दिन और सातवें दिन दे सकते हैं। तो ये आहार आप देते हैं तो धातु का पोषण भी होगा, वजन भी नहीं बढ़ेगा, और इसी के साथ साथ ये द्रव्य आम पाचन कराकर ही फिर जो एक प्रकार का वात शमन का भी कार्य कराते हैं। आचार्य सुश्रुत यही बताते हैं, स्नेह यवागु, क्षीर यवागु एंड विदारी कंदादि गण के साथ वाला ही वो बताते हैं। एंड तीसरे चौथे दिन सभी आचार्य खास करके तीसरे चौथे दिन इस प्रकार का आहार लेने को बताते हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा कोल कुलथ वगैरह भी डाला जाता है, अगर आप चावल बना रहे, खिचड़ी बना रहे हैं तो इस राइस में इन सभी द्रव्यों को पका कर भी दिया जाता है, कुलथा वगैरह का भी, या आप पतला भी यवागु बना सकते हैं, वट एवर प्रिफर्ड बाय द वुमन, वट एवर कंजाइनल टू हर, उसको जो भी अच्छा लगे, ठीक लगे, साथ में लगे, ये आपको देना है। तो ये आप 7 दिन तक लगातार दे सकते हैं। अष्टांग संग्रह में भी इसी प्रकार से बताया है, कुलथ 4th, 6th, 8th डे को और 12th डे को, एंड फिर मीट का सूप का रस है, एंड इस प्रकार से ये डाइट आपको 13 दिन तक आप लगातार ये रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब इसमें दीपन पाचन पोषण धातु का तर्पण ये सारा विचार किया है। एक और आचार्य अष्टांग उदय वाले बता अष्टांग संग्रह वाले बताते कि पंचकोल का पान, पंचकोल यानी पिपली पिपली मूत चौव्या चित्रक और शुंठी, इन सभी का उपयोग करके, क्योंकि ये पंचकोल जो है ये वेदना प्रशमन, शूल प्रशमन, और जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल कराने के लिए भी, पेन होता है एब्डोमिन में वो कम कराने के लिए भी ये द्रव्य अच्छे माने गए। तो इसको आप जैसे भी चाहे दे सकते हैं। अष्टांग हृदय में भी इसी प्रकार से बताया है, एंड चौथे दिन से सातवें दिन तक क्षीर यवागु है, एंड फिर इसको धीरे धीरे फिर 8वें दिन के बाद 12 दिन तक वो गृहण द्रव्यों का प्रयोग बताते हैं, एंड फिर 12वें दिन में मीट का मांस रस का सूप बताते हैं यूज कराने के लिए। तो ये मैं क्यों डिटेल में बता रही हूँ, ताकि आप लोग ये समझे कि बेसिकली स्थूलता का कारण क्या है और हम लोगों को क्या प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करनी है आफ्टर पोस्ट नेटल पीरियड और पोस्टनेटल ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड। सो पिपली और ये सारे द्रव्य काफी अच्छे माने गए। आचार्य काश्यप ने भी इसी प्रकार से सस्नेह लवण एंड आम्लयुक्त कुछ यूष मीट सूप सेवन करने का विधान किया है। हरित संहिता में भी यवागु 3rd डे से, और फिर बाद में उन्होंने भी चावल बने हुए हो षष्ठी चावल रिकमेंड किए हैं, उन्होंने यवागु रिकमेंड किया है। तो इन सभी का सेवन आचार्य खास करके अच्छा मानते हैं। अभी थोड़ा सा विहार मैं बताऊंगी, फिर हम लोग बाकी कल्पों के बारे में चर्चा करेंगे, जो स्थूलता अगर बन जाती है तो क्या करना चाहिए। अभी यहाँ पर विहार में अभ्यंग वातशमन आपको करवाना है तो अभ्यंग करें जरूर। अभ्यंग कब करना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी में मेरे विचार से 5वें दिन की जो पूजा होती है उसके बाद से कर सकते हैं, और सीजर में 12 दिन के पश्चात आपके टाके जब खुल जाएंगे वहां से आप इसको अभ्यंग को शुरुआत कर सकते हैं। और फिर उद्वेष्टनम, आपको पेट के ऊपर जो बांधने वाला पट्टा होता है उसको बांधना चाहिए, काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके हैं। एंड अच्छा कॉटन का क्लीन वस्त्र लेकर आपको ये करना है। फिर इसके साथ साथ आप इरिगेशन परिषेक करा सकते हैं, गर्म पानी का नहाने के समय योनि परिषेक, उदर परिषेक करवाते रहे, वात का शमन होगा और आम भी कमजोर होता चलेगा, और मेद धातु का भी यहाँ पे ये नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं मेद धातु। अभ्यंग बला तेल का प्रयोग करें, नारायण तेल का प्रयोग कर सकते हैं, सिंपल तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि वात का शमन करेगा। एंड वात शमन ही हमारा मुख्य रूप से यहाँ पर सूती का परिचर्या में उद्देश्य रहता है। बला तेल उद्वर्तन बहुत अच्छा है, आप पहले तो 1.5 महीने तक तो मेरे विचार से उद्वर्तन जो है वो हल्का सा करें, घरेलू जो चने का आटा है, मसूर के दाल का आटा है, ऐसे जो घरेलू होता है ना उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर जैसे 3 महीने हो गए और आपको लग रहा है कि काफी थोड़ा सा वजन थोड़ा बढ़े जैसे लग रहा है, तो देखिए हर डिलीवरी के बाद किसी भी महिला का
दो से पांच किलो वजन बढ़ना इट इज नॉर्मल, इट इज नथिंग एबनॉर्मल। आप ऐसा दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मेरा वजन 50 था तो मुझे अभी 50 का ही होना है। हाँ, वो मोटो आप रखे जरूर, बट एक दो किलो बढ़ जाता है तो उसके लिए ओवर फास्टिंग या ओवर थिंक मत करें। कई बार इस ओवर थिंकिंग के कारण भी वेट बढ़ जाता है, तो एक्सेप्ट इट वॉट एवर। बस आपको थोड़ा एक प्रकार से ये आती है, थोड़ा सा क्या बोलेंगे हम उसको, मेद जो थोड़ा जम जाएगा या वजन थोड़ा बढ़ जाएगा तो उसको हल्के से लीजिएगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप धीरे धीरे प्रयास करें, एकदम से ना करें। कई बार एकदम से करने से भी पोस्टनेटल सूतिकाजन्य धातु क्षय भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से इरिगेशन, नहाना गर्म पानी से, धूपन का प्रयोग करना, बाहर ना जाना और वेगों का अवरोध ना करना, सभी ये जो बातें आमतौर पर हम लोग यूज में लाते हैं उन सभी का भी, और मसाज केवल ये नहीं करें तो बैक पे पूरे अभ्यंग पूरे शरीर पर आपको करना है। पूरे आपको सिकाई कर सकते हैं अच्छे से, इसमें धूपन करवा सकते हैं, काफी फायदेमंद मानी गई है जो हीलिंग के लिए, रोपण के लिए बहुत ही काफी फायदेमंद मानी गई है। गर्म पानी से हल्के से आपको ये सारा कुछ करवाना होगा। और इसी के साथ साथ दशमूलारिष्ट, शुंठी सिद्ध जल, सौभाग्य शुंठी पाक और अवस्थानुरूप जो भी आपको जरूरत हो इसके हिसाब से आपको द्रव्यों का सेवन करवाना। बट आमतौर पर हम लोग दशमूलारिष्ट बता देते हैं, और दशमूलारिष्ट, सौभाग्य शुंठी पाक और प्रतापलक्ष्मी, और ये पेटेंट औषधियां है जो सुतिका अवस्था में काफी अच्छे से काम करती है। सुतिका जन्य शूल, वेदना, स्राव, इन सभी कंडीशंस के लिए काफी फायदेमंद मानी गई है। तो इस प्रकार से इन सभी का प्रयोग करना है। दशमूल का खास करके काढ़ा बनाकर भी पिया जा सकता है। तो ओवरऑल जो एक आपको पथ्य पथ्य का पालन करवाना है, इसमें पानी भरपूर पिए एंड एडिक्वेट डाइट एंड एडिक्वेट रेस्ट जरूरी है, और गर्म पानी का प्रयोग करें ताकि आपका पाचन होता रहे, और गर्म पानी पेरिस्टेटिक मूवमेंट को मोटिवेट करता है एंड इट एनहांसेस द डाइजेशन, और अग्निमान नहीं होगा। देखिए भले ही आपको लगता है कि स्थूलता में वजन बढ़ा है, बट इसका मुख्य हेतु जो है वह है अग्निमान, तो अग्निमान नहीं होने देना, इसलिए गर्म पानी का प्रयोग बताते हैं। एंड इट ऑल्सो लाइक ये क्या करता है ना, सेल्युलर लेवल पर जाकर वहां की सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एनहांस करता है। वहां पे अगर देखिए आम अगर नहीं जमता है, अवरोध नहीं होता है, तो अवरोध जन्य स्थिति में ही स्त्रोतसों का अवरोध होकर ही आम से ही जाकर आगे अग्निमान से ही जाकर वहां पे दुष्ट धातु की संचिति होती है। मेद रोग यानी क्या है, दुष्ट मेद धातु है। हम लोग उसमें लेखन कराते हैं, रूपषण कराते हैं, उसमें विरेचन देते हैं, वमन देते हैं, बस्ती देते हैं, तो हम लोगों का उद्देश्य क्या होता है, मेद का विलयन करना, मेद का शोषण करना। तो रूपषण हो गया, शोधन हो गया, लंगर चिकित्सा का उद्देश्य भी वही है कि मेद का विलयन करना। तो इस मेद का संचय ही आप होने मत दीजिएगा, आप इसी को इसी प्रकार से गर्म पानी तो आई थिंक आप 6 महीने तक भी पिया जा सकता है एज पर यूर, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ उद्वेष्टन, उद्वर्तन चिकित्सा में हमेशा रिकमेंड करती हूँ, जो आप त्रिफला चूर्ण से लेकर बचा चूर्ण, कोलकुल अथार्दी चूर्ण और उद्वर्धन चूर्ण रेटिबेट मार्केट में भी मिल जाता है, उसी का भी आप प्रयोग कर सकती है। एंगर, मेग अवरोध, बहुत ज्यादा एग्जर्शन, कोई मानसिक अवसाद की स्थिति है, ठंडे पानी का प्रयोग करना और किसी भी इसका फॉलोअप नहीं लेना, यानी बासी ठंडा रजतम गुण वाला आहार का सेवन करना, ये भी जाकर कहीं ना कहीं आपके इसके हेतु बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इस वेट लॉस के लिए किस प्रकार के आहार का फॉलोअप लेंगे, क्या ऐड करेंगे, ये सब कुछ तो आपको ऐड ऑन करना ही है। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा और कुछ बताती हूँ। आप जो भी धान्य यूज करेंगे, अगर हो सके, अगर आपको लगता है कि 6 महीने बाद मेरा वजन बढ़ गया और मुझे पहले पे आना है, तो वहां पे आप शुरू करें वर्क करने को कि आपका डेली क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज है, आप कितनी कैलोरीज लेती है, आप सभी का एक मिला जुला कर, मैं ज्यादा कैलोरीज भी बोलती नहीं हूँ, बट क्योंकि मेरे विचार से भले ही एलोपैथी साइंस या न्यूट्रिशन ये कैलोरीज के हिसाब से चलता है, बट मेरे विचार से ये हम लोग दोष के विचार से करें। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। वात प्रकृति वजन बड़ा भी है तो कम हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, पित्त प्रकृति में भी है। पित्त प्रकृति में वजन का जो रेशियो होता है इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल, वायु में हमेशा वजन कम रहता है, पित्त में प्रोपोर्शनेट रहता है हाइट के हिसाब से। कफ इज हैविंग हैविंग अ टेंडेंसी ऑफ गेनिंग वेट, तो अगर कफ प्रकृति की महिला है तो उसमें और ज्यादा आपको लाइक गर्म चीजों का, गर्म पानी का और शुंठी का वगैरह जैसे द्रव्यों का परिचर्या में प्रयोग करना है, आगे भी वही करना है।
अगर कफस टाइप का ये वृद्धि है, मेदो रोग है, तो उसमें भी लंघन है, दीपन, पाचन, लंघन, वमन, विरेचन, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। अब जो भी धान्य का प्रयोग करेंगे उसको भून कर खाए आप, चावल और चावल बना, चावल तो ज्यादा पानी में भी ना बनाए, चावल बनाने के लिए कम पानी का प्रयोग करें। ये छोटी छोटी बातें ही है जो जाकर जल महाभूत ही, जल और पृथ्वी से ही मधुर रस बना है, तो यही जाकर आगे मधुर रस से ही मधुर गुण की वृद्धि होती है। तो मेद धातु और मांस धातु दोनों मधुर गुण के हैं, तो इनको हमें बढ़ाना नहीं है, है ना। तो इसी प्रकार से आपके आहार में हम लोग 3 महीने तक ज्यादा छाछ नहीं बताते, बट अगर ग्रीष्म ऋतु है तो आप 1.5 महीने के बाद ही छाछ ले। वैसे पेशेंट को पसंद है, अभी कुछ पंजाब गुजरात जैसे प्रदेशों में, प्रांतों में तो छाछ जो है वो 12 महीने लिया जाता है, यानी सवेरे शाम दोपहर कभी भी छाछ पिया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हो तो ताजा अच्छा वाला छाछ आप जरूर ले सकते हैं। और छाछ में आप कोई भी हींगू, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर या जो मसाला होता है ना छाछ का, उसको जरूर डालें। वो क्यों डालना है, क्योंकि ये डालने से भी कहीं ना कहीं आम पाचन होकर और एक प्रकार से ये मतलब मेद का विलयन करने के लिए भी अच्छा माना है। तो छाछ प्रोसेस्ड अगर होता है तो ये वेट लॉस के लिए भी मदद करता है ना। और इसी के साथ साथ आप बीच बीच में शुंठी सिद्ध जल, सुवर्ण सिद्ध जल, आम पाचन जल, गर्म पानी का पीना, इसका प्रयोग करते रहे। चलना, टहलना, योगा का प्रयोग करना, सूर्य नमस्कार का प्रयोग करना, वॉट एवर लाइक कनेक्ट आप जिसके साथ भी करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ बाकी खान पान की जो सारी आदतें हैं, बाहरी फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, धूम्रपान है, मद्यपान है, ये सारे हेतुओं को भी आपको अवॉइड करना होगा। नींद अच्छी लेनी होगी वजन कम कराने के लिए, ये भी जरूरी है, क्योंकि इसके साथ ही रजतम गुण बढ़ जाता है। रजतम गुण बढ़ जाता है तो मानसिक भावनाओं पर परिणाम होता है, तो इन सभी को आपको अवॉइड करना है, है ना। तो इस इन ये ओवरऑल आपकी पॉलिसीज इसी प्रकार की होनी चाहिए। कुछ स्पेसिफिक डाइट रिकमेंडेड मैं बताती हूँ इसमें। जैसे आपने उस दिन भी पूछा था कि क्या डाइट का पैटर्न होना चाहिए, है ना, क्या डाइट हम लोग ले सकते हैं। आयुर्वेद में इसमें निकृष्ट आहार के बारे में बताया है, इसमें वो मैं सारा बताती हूँ आपको कि किस प्रकार के आहार का प्रयोग हमें करवाना है। उसमें शुक्र धान्य में यह है, कोद्रव है या निर्वर है, और इन सभी का मतलब पुराना अनाज है, इन सभी का प्रयोग आप करवाइएगा। शमी धान्य में मुदक है, राजमास है, कुल्थी है, चनक है, मसूर है, इसका प्रयोग करें। सब्जियों में लाइक पटोल है, पटोल का सब्जी का प्रयोग करें, और पत्र शाक का प्रयोग करें, वृंताक का प्रयोग करें। फल में कपित्था, जामुन, आमलकी, ये फल अच्छे माने हैं मतलब वेट लॉस के हिसाब से देखा जाए तो। और तक्र, शहद, उष्णोदक, तिल का तेल, सरसों का तेल, अरिष्ट, आसव, इन सभी का आहार में कुछ किसी ना किसी रूप से प्रयोग आपको करवाना है। इवन दो दूध भी एक लिमिटेड मात्रा में लिए, इक्षुरस का प्रयोग करें आप, दही के कारण, दही के बजाय मैं छाछी में आपको यहाँ पे रिकमेंड करती हूँ। आपके आहार में मुख्य रूप से रस कौन से होने चाहिए, तो आपके आहार में मुख्य रूप से रस होने चाहिए तिक्त कटु कषाय। स्पेशली कटु रस इंडिकेटेड है, जो कि मेदो रोग में जो एक इम्बैलेंस होता है ना कफ का, तो इसके लिए आपको लघु उष्ण द्रव्य यूज करने होते हैं, तो वो वहां पर आप यूज कर सकते हैं, है ना। फिर सब्जियों में पत्तेदार सब्जियां, बट मैं पत्तेदार सब्जियों के भी बारे में बताऊं, इसको बहुत ज्यादा पानी डाल डाल कर नहीं पकाना है, इसको खाली आपको भाप देनी, स्टीम करना है, केवल स्टीम करके इसका प्रयोग करें आप, है ना। और ताकि एक प्रकार से मिनरल और बाकी विटामिन B12 वगैरह का भी प्रमाण बनाए रहता है। और फिर आगे अगर आप पत्तेदार सब्जियों को, हरित शाक को अगर और पानी डालकर पकाती हूँ, आयुर्वेद में हरित शाक भी वात का प्रकोप कराती है। इवन दो स्प्राउट्स आर ऑल्सो, आई डोंट रिकमेंड स्प्राउट्स मच मोर, इसीलिए मैं स्प्राउट्स को भी ज्यादा बताती नहीं हूँ। अगर लेना ही है आपको तो जस्ट लाइक 1-2 स्पून वो भी बॉइल करके मसालों के साथ उसको बनाकर अच्छे से वो खा सकते हैं। तो आपको लघु रुक्ष और कफवात का शमन करने वाले सब्जियों का ही प्रयोग करना है ना। होल ग्रेन्स, पूरा अनाज आप इसमें खास करके बाजरा है, रागी है, मेज है, ज्वार है, इन सभी धान्यों का प्रयोग करें। होल ग्रेन्स आप यूज कर सकते हैं। बार्ली का प्रयोग बहुत ज्यादा है, ये बार्ली जो जो है आचार्य चरक ने इसको कफ विकारहर बताया है, बट मेरे विचार से हमारी भारत देश की जीवन शैली में इसको बहुत ज्यादा जो महत्व दिया जा रहा है इतना भी ये यूजफुल नहीं है। बट हाँ ये है कि इसमें
बहुत ज्यादा फाइबर होता है, और इसीलिए क्या होता है ना, आप जब फाइबर ज्यादा लेते हैं आमतौर पर क्या होता है ना कि जो भी आपकी डाइट की जो ये होती है ना उसमें आपको ज्यादा समय तक सटाइटी रहे, ऐसे आहार का चुनाव देता किया जाता है ताकि आप लंबे समय तक, एक थोड़ा खा लिया तो लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगनी चाहिए, यही वहां पे उद्देश्य होता है। तो वो उद्देश्य फुलफिल करने के लिए बार्ली इज ओके, लाइक इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ फाइबर, तो इसके साथ आपको फुल ऑफ लगेगा लॉन्गर पीरियड के लिए, और फिर फ्रिक्वेंसी जो होती है ना क्रेविंग क्रेविंग फ्रिक्वेंसी तो वो कम हो जाती है, इसीलिए बार्ली का लोग ज्यादा रिकमेंडेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत ही अच्छे वाला जो एक घटक है वो एक मूंग की दाल। मूंग की दाल का भरपूर प्रयोग करें बिकॉज आयुर्वेदा रिकमेंड्स मच मोर ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज, लघुता, और ये वृक्ष है, इसका मतलब अच्छा रिजल्ट मिलता है, पीना खाना सभी प्रकार से यूज है, सूप है, इसमें भरपूर रूप से मूंग का प्रयोग करें जो कि फैट को भी लयन कराने के लिए भी, मेदो रोग की चिकित्सा में भी अच्छी है, एंड इट इज ऑल्सो फुल ऑफ फाइबर्स एंड प्रोटीन्स, सो लाइक इसमें टू सटाइटिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड सो दैट यू विल फील लाइक फुल ऑफ, ज्यादा समय तक आप अच्छे से इसके साथ भी रह सकते हो। नेक्स्ट है चना दाल। मैंने देखा कि कुछ लोग चना दाल के बारे में बहुत ही एक अलग सा उनका अनुमान होता है कि चना दाल ये वात का प्रकोप कराती है, बट वैसे अगर देखा जाए तो ये रुक्ष भी है थोड़ी सी, एंड इट इज ऑल्सो हाई ऑफ फाइबर एंड इट हेल्प्स टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल, इसी और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम, सो हाई फाइबर, आपको हमेशा हाई फाइबर डाइट का चुनाव करें ओबिसिटी के पेशेंट्स के लिए। तो मैं देखिए आप 7 दिन के 7 जो दालें हैं उसका प्रयोग करें, मूंग दाल, चना दाल, तुअर दाल, मसूर दाल और कोई एक दूसरी दाल जो भी, उड़द की दाल, एक दिन ऐसे करा के आप कर सकते हैं। मसूर की दाल भी काफी अच्छी है जो कि वृक्ष है, सो इट इज हैविंग लो फैट, ये लो फैट है और फाइबर फुल ऑफ होती है, तो मसूर की दाल भी अच्छी है जो कि एपेटाइट को कंट्रोल करती है। तूर दाल, अरहर की दाल, तूर दाल रूटीनली दाल बनाने के लिए तुअर की दाल यूज करती है, बट ये कफ को बैलेंस करती है और थोड़ा सा ये वात को बढ़ा देती है, और प्रोटीन के लिए अच्छा स्रोत है, सो ये आप एज की प्रोटीन के साथ आप लॉन्ग समय तक चल सकते हैं, इसलिए इसको भी मैं रिकमेंड करती हूँ। नेक्स्ट है हॉर्स ग्रे मानी कुल्थी। कुल्थी भरपूर खाए, कुल्थी का लाइक रोटी बनती है, कुल्थी का सब्जी बनती है, और बिकॉज इट इज हैविंग उष्णवीर्य, कषाय रस और अम्लविपाक है, सो ये कफ मेदोहर मानी गई है और इसीलिए, एंड इट इज फुल ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर। नेक्स्ट है थोड़े निकृष्ट द्रव्य जो बताए गए थे, कोदो, शाम्य, निर्वार, प्रियंग वगैरह, ये धान्य है जो कषाय और गुण के है, लघु गुण के है, आप जिसका माइलेट, कोदो इज अ माइलेट विच इज हैविंग अ विटामिन बी स्पेशली इसमें अच्छा है, नाइसिन वगैरह है, सो यू विल गेट ऑल द टाइप ऑफ मिनरल सच एज कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब आप इसमें ले सकते हो। तिल का तेल, तिल तेल इज बेनिफिशियल मेदो रोग में, एंड ये मधुर कषाय वाला होगा, उष्णवीर्य प्रॉपर्टी वाला होगा, एंड दिस पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स उसमें होते हैं। सरसों का तेल आप खाना बनाने के लिए कौन से तेल प्रयोग करें, आई रिकमेंड जिसका लाइक वहां पे एक एक प्रकार से क्या होता है ना, मतलब हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट का भी विचार करना चाहिए, उसमें तेल जो हम लोग तेल तलने के लिए खाने के लिए यूज करते हैं, तो तिल तेल का प्रयोग करें, सरसों का है, हम लोग सूर्यफुल तेल का भी रिकमेंडेशन करते हैं, और सूरा जो है आम्ल रस वाली होती है तो वो भी आप कर सकते हैं, इलायची का प्रयोग करें, इलायची कटु रस वाली है और लघु गुण की है, तो खास करके कार्डिमोम जो होता है ना वो फैट अकुमुलेशन एब्डोमिन के ऊपर होता है, तो मेनोपॉज के दौरान वाला जो है जो उसमें ये काफी अच्छी मानी गई है। गर्म पानी तो बेस्ट ही है हमेशा के लिए, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, ये मेद और क्लेद के लिए विलयन कराने के लिए, ल्यूकोमोटोम इज बेनिफिशियल और इट प्रमोट्स द सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हनी, शहद खाए, शहद और गर्म पानी मिलाना, मेरे विचार से आप गर्म पानी के साथ तो शहद को देखा मैंने कि इसके ऊपर मैंने काफी बार चर्चा हुई थी, कहीं पर भी ऐसे मतलब 100% श्योरिटी नहीं है बट ये रिकमेंडेशन किया जाता है, पता नहीं मुझे मुझे लगता है कि कुछ लोगों को इसके साथ रिजल्ट मिला है बिकॉज शहद इज लेखनी है, ये वृक्ष भी है लेकिन एक्चुअली शहद ही योगवाही है, जिसके साथ जैसे उपयोग करेंगे उस प्रकार का वो काम करता है, सो वेट लॉस आप अगर यूट्यूब खोलेंगे तो यूट्यूब पर शहद और पानी के यूज के कम से कम 100 वीडियोज आपको मिले गर्म पानी के साथ, बट शहद गर्म पानी में डालकर उसको उबालना नहीं है, हाँ आप शहद खाकर उसके ऊपर गर्म पानी पिए ये मैं रिकमेंड करूंगी। बटर मिल्क तो मैंने ऑलरेडी बताया है, छाछ का प्रयोग, लाजा बहुत एक अच्छा है, पफड़ राइस लो कैलोरी
एंडनटी टेस्टिंग, इवन दो प्रेगनेंसी में भी हम लोग प्रेगनेंसी का जो ये होता है ना हाइपरिमेसिस, उसमें भी काफी रिकमेंडेशन है. एंड इट इज हैविंग अ वेरी लो कैलर, बेस्ट है. इसको सोक करके, इसका ग्रुएल बनाकर, इसकी खीर बनाकर, वट एवर लड्डू बनते हैं, कुछ भी बना सकते हैं. नेक्स्ट है नींबू पानी, बेस्ट है. नींबू पानी क्यों देना है, बिकॉज नींबू से विटामिन सी, इम्यूनिटी बढ़ती है, और कोई बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो वो भी कम हो जाते हैं, नाश होता है उनका. एंड नींबू पानी ऑल्सो एनहांसेस द गैस्ट्रिक मोटेलिटी, गैस्ट्रिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है. इसके साथ अजवाइन का पानी, मैं हमेशा ये सारे बताती हूँ, पानक बताती हूँ. हाफ चम्मच अजवाइन लेना है, एक गिलास पानी में सोक करें और 5-6 घंटे तक रहे, एंड टेक इट, बहुत अच्छा है. जिंजर पानी, शुंठी पानी, कैबेज भी खाएं फ्रिक्वेंटली, जो कि क्या करता है ना, कैबेज की सब्जी, कैबेज रिड्यूसेस कन्वर्जन ऑफ शुगर टू फैट. तो कैबेज शुगर से फैट नहीं बनने देता है. एंड सबसे लास्ट में बताऊंगी मैं, ईट अकॉर्डिंग टू योर दोषा, ईट अकॉर्डिंग टू दोषा, फूड अकॉर्डिंग टू दोषा, ये हमारी किताब है, और जिसमें हमने काफी विस्तारित रूप से हर एक व्यक्ति की प्रकृति के लिए जैसे है वो सारा डायट बताया है. एंड बिल्कुल आपको अपनी प्रकृति ये कराकर, तो सिंपल मैं एक प्लान बता देती हूँ. लाइक ब्रेकफास्ट में अपने कोई काढ़ा ले लिया, जैसे मैं सारा बता रही हूँ, उसमें से अजवाइन पानी, नींबू पानी, एक 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 रोज पीजिएगा. एक दिन जीरा, एक दिन शुंठी, एक दिन नींबू, एक दिन तुलसी का और ये काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, इस एक दिन हिंग का बना, कुछ भी. नेक्स्ट है उसमें आप एक जैसे एक बाउल आप जो भी खाना चाहते हैं, चावल, इवन तो चावल राइस सब्जी रोटी जो भी घर में बनता है ताजा, वो खा लीजिए ना ब्रेकफास्ट में. 11 बजे कुछ ना कुछ थोड़ा सा लेना है तो ले सकते हैं. खाने में फुलका, 2 फुलके, कोई सब्जी, एक ग्लास बटर मिल्क एंड कोई सैलड. मुझे लगता है इतना खाना तो सभी के लिए मतलब अच्छा ही है, ये कम खाना नहीं है. 2 रोटी और सब्जी और फुल, ये अगर छाछ पीते तो पेट अच्छे से भर जाता है. 5 बजे अगर चाय पीनी है तो मैं सजेस्ट करूंगी चाय पिए, बट मैंने इसमें एक ये किया है कि मैं चाय रिकमेंड करती हूँ कम दूध वाली और बिना शुगर, क्योंकि लोगों को चाय के साथ बड़ा प्यार होता है कि उनको चाय छोड़नी नहीं होती, तो चाय कैसे पिए. आप अभी आजकल ग्रीन टी का भी है, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, बट मैंने मेरे विचार से आयुर्वेदा इसको कहीं रिकमेंड नहीं करता है. यू कैन टेक एज लाइक हम लोग इसमें ब्राह्मी और तुलसी वगैरह सारे जो पत्ते हैं उसका प्रयोग करके आप चाय बनवा सकते हैं. आजकल काफी सारे रिसर्चेस चाय को लेकर है, कोल्ड टी, अलग अलग टीज बनते हैं, ग्रीन टी, ब्लू टी वगैरह वगैरह, तो वो ले. या फिर कोई फल खाए, शाम का खाना जल्दी खाए, एक सब्जी, कोई रोटी, कभी खिचड़ी, कभी अलग अलग बदलाव हम लोग कर सकते हैं इसमें. इसमें थोड़े ऑप्शन में डाल देती हूँ, आप जूसेस में आमला जूस, मूंग का चीला, मूंग की दाल का सूप, इक्षुरस, स्प्राउट्स एक दिन फल का, टोमेटो का सूप, ऑरेंजेस और ज्वार की रोटी, सैलेड, फिर कोकोनट पानी, नींबू पानी है ही, मूंग की खिचड़ी, सूप, क्यूमीन का शरबत, कैबेज की सब्जी, कोकोनट की चटनी, कितने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे अगर आप करना चाहते हो तो. वेजिटेबल पोहा बनवाइएगा, या लाइक बॉइल्ड वेजिटेबल्स है, दाल राइस है, वट एवर यू कैन, फ्रूट चाट बनाइए कभी कभी, तुलसी अजवाइन का काढ़ा बनवाए, कभी मेथी की सब्जी है, और कितने ककम्बर है, ककम्बर को बॉईल करके खाइएगा, अच्छा अच्छा लगता है टेस्ट में भी. एक 15 दिन में एक आध बार, हफ्ते में एक दिन ओट्स खाइएगा, कुछ भी ऐसे आप कितने सारे. अगर नॉनवेज खाते हो तो बॉइल्ड एग लीजिएगा, सूप लीजिएगा, चिकन का पीस लीजिएगा कभी कभार बीच बीच में. सो आई थिंक प्रोटीन का हमारे डाइट में होना जरूरी है, बिकॉज प्रोटीन से हमें अधिक सेटाइटी मिलती है, we can feel more fullness हमें मिलता है और कैलोरीज कम मिलते हैं. तो प्रोटीन डाइट, इसीलिए कोई भी न्यूट्रिशन जो देता है ना डाइट प्लान, उसमें प्रोटीन डाइट देता है, और इसीलिए फिर स्प्राउट्स बोल देता है, बट मैं उसको वातप्रकोप को मानती हूँ. तो आप प्रोटीन वाले स्रोत कोई भी यूज कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ ये बॉडी कंपोजिशन को इम्प्रूव करता है, और इसका एक थर्मिक इफेक्ट भी ज्यादा माना गया है प्रोटीन के साथ. कार्बोहाइड्रेट का यूज कम करवाना है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट से जल्दी शुगर बन जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट कम यूज करें. और होल ग्रेन फ्रूट्स, इसका भी कनेक्शन ऐसे ही है, तो आपका जो फाइबर होता है ना वो थोड़ा सा स्लो डाइजेशन करता है, और फिर हंगर कंट्रोल कराने में मदद करता है. नट्स और वेट गेन, नट्स को लेकर ऐसा माना जाता है कि नट्स खाने के साथ वजन बढ़ता है, बट एक्चुअली वैसे देखा जाए तो
आपका ये नट का सेवन वेट कंट्रोल भी करवाता है बिकॉज इट इज हैविंग अ प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर. डेयरी प्रोडक्ट्स कम इस्तेमाल करें बिकॉज हाईली दे आर कंपोज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बट इसमें भी बटर मिल्क इज बेनिफिशियल. आर्टिफिशियल शुगर स्वीटनर्स बहुत यूज करते हैं आजकल लोग, कुकीज में, पेस्ट्रीज में, सभी ब्राउनीज में, वो कम करें. फ्रूट जूसेस बहुत ज्यादा रिकमेंड किए जाते हैं, बट मैं इसको भी बदलाव करके बताऊंगी कि इसमें भी आप विदाउट शुगर केवल फल और पानी, फल में दूध मत डालिएगा, फल और पानी का जूस बनाए और केवल फल का बनवाइएगा. जो आपको मतलब शुगर डालकर बनवा देते तो फिर वेट बढ़ जाता है. आपके डाइट पैटर्न की कैसा है, प्लेट की साइज क्या है, पोर्शन साइज क्या है, वो भी सारा इस्तेमाल इसमें बिल्कुल होता है. तो मतलब पोर्शन साइज, फास्ट फूड का भी कनेक्शन है जो आपको अच्छा लगता है, हाई पैल्पेबल होता है, बट ये हाई शुगर कंटेंट है, टेस्टी होता है, बट इसके साथ कुछ एडिटिव्स होते हैं और एडिशनल कुछ ये डाले जाते हैं टेस्ट एनहांस कराने के लिए, विच इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कार्डियोस्कुलर डिसीजेस, फैट, ओबेसिटी वगैरह वगैरह. सो आई थिंक कि कितना खाते हो ये कॉमन है, बट आई थिंक ईट अकॉर्डिंगली यूर रेस, एज, वर्किंग पैटर्न, अग्नि एंड प्रकृति. ईट स्लो, फोकस ऑन द ब्रेकफास्ट एंड लंच, ईट बिफोर 7 PM, eat more fresh vegetables, eat without anger, eat without any type of stress, plenty of water, and add all type of food. सभी प्रकार का खाना हो. ऐसा ना माने कि चावल खाने से वजन बढ़ता है तो मैं चावल को ही छोड़ देती हूँ. ये चावल छोड़ने का डिप्रेशन भी वेट बढ़ा देता है. सो इसीलिए मन को तृप्त रखें. मन को तृप्त करने के लिए चावल खाए, बस उसकी क्वांटिटी कम करें. ये अपने हाथ में है, 2 चम्मच ले, 3 चम्मच ले, तो ये तो हमारे हाथ में ही है ना, तो वो सारा करे. बहुत ज्यादा फास्टिंग भी काम का नहीं है, ये वात का और प्रकोप करा देगा. शुगर इनटेक रिड्यूस करें, मतलब आपके टोटल कैलोरीज से 10% वो कम होना चाहिए. नेचुरल बिहेवियर, आजकल फैशन है, कहीं जाते हैं, कहीं किराना सामान लाने के लिए भी जाते हैं तो उसमें हम लोग एक कोई ना कोई ये ड्रिंक लेते ही, तो इसके साथ आप नेचुरल जो ड्रिंक्स है बिहेवरेज जैसे लाइक मट्ठा, बटर मिल्क, शुगर केन जूस, कोकोनट वाटर, वेजिटेबल सूप, पान, कढ़ी, सार, इन सभी का प्रयोग. एक्टिव रहे बहुत ही ज्यादा, और स्कीम्ड मिल्क का प्रयोग. कितने सारे ऐसे पॉइंट्स है जो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं. सो मुझे लगता है सूती का जन्य जो वेट बढ़ता है, इन सभी के लिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारा मैं आपके साथ शेयर करवाना चाहती थी कि आपने जैसे पूछा था. तो सूतिका में मुख्य रूप से वजन बढ़ता है, वो उसका कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस बहुत ज्यादा. सूतिका के बाद क्या होता है ना, 6 महीने के बाद थोड़ा सा पोस्चर और शरीर का जो आकार है बदल जाता है. उसको लेकर भी बड़ी चिंता होती है महिलाओं में कि अभी मेरा फिगर और मेरा पर्सनैलिटी ऐसी हो गई तो मैं कैसे दिखती हूँ और मेरा कैसे होगा वगैरह वगैरह. और इसी चिंता के साथ ही उसका हार्मोन बदल कर भी वेट हुए. सो आप बताइए अभी इसके साथ आपको क्या लगता है, और कुछ अगर ऐड करवाना चाहे. ये सारथी मैम नमस्ते, बोलिए. रंजीत जी, डॉक्टर अलका जी, यस मैम, आरती जी, आर यू लिसनिंग? रंजित कौर, यस मैम, बोलिए. अलका जी, रंजित जी, चित्रंजन जी, एनीथिंग यू वांट टू ऐड इस डायट पैटर्न में? नमस्ते मैम. नमस्ते अलका जी, बोलिए मैम, कैसी है? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? बस बढ़िया, बताइए. नहीं मैम, आपने बहुत अच्छा बताया आज. सभी सभी कवर हो गया मैम. यस 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 जी मैम. या ओके, और कोई केस है तो बताइए. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग रंजित जी, बोलिए.
मैम आज का सेशन बहुत अच्छा था मैम, आपने सब कुछ कवर कर दिया मैम। तो मैम एक यस केस था मेरे पास ना, एक पेशेंट आई है, उनकी एज जो 43 ईयर्स है मैम, तो अच्छा उनको ना मतलब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम है मैम। एक तो एक उनके मतलब अब यूट्राइन फाइब्रॉइड भी है, लेकिन वो बहुत स्मॉल है, 8x10 mm का है, तो मायोमीट्रियम में मैम। तो एक उनको ना ब्रेस्ट में टेंडरनेस बहुत रहती है, और राइट हैंड है ना जो मतलब राइट साइड, उसमें मतलब पेन बहुत ज्यादा सीवियर होता है, और साथ में मतलब स्वेलिंग भी हो जाती है मैम। तो तो वो कोई कुछ मतलब फ्रोजन शोल्डर या ऐसे तो नहीं है, लाइक रेफर्ड पेन तो नहीं है? नहीं मैम बिल्कुल भी नहीं। तो उनको ना साथ में डिस्चार्ज भी होता है राइट साइड से, थोड़ा हल्का सा वाइट पेल कलर का मैम। अरे तो आपने करवाया मेमोग्राफी सोनोग्राफी कुछ? मैम उनके ना सभी टेस्ट हुए थे, मतलब वो ना मतलब रेफर होकर ही आई थी, तो उनके सभी टेस्ट ना नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। मेंसेस कैसा है? मैम मेंसिस का पैटर्न उनका ठीक नहीं है मैम, उनको सिर्फ मतलब स्पॉटिंग ही होती है मैम, सिंपल। आर्तोदृष्टि, आर्तोक्षय, ये है। देखिए यस मैम रज, लाइक ना मेनोपॉजल ऑलिगोमेनोरिया एंड दी सी, यहाँ पर असधातु की विकृति है, मेंसेस इरेगुलर है, तो वहां पे यस जाकर मैम करे स्तन्य के ऊपर, मतलब स्तन्य व स्रोतस के ऊपर परिणाम हो रहा है, क्योंकि रस के दो मैम पदार्थों रज और आर्तो, सॉरी रज यस स्तन्य और आर्तो, तो यहाँ पे आर्तो की दृष्टि हो गई, तो स्तन्य पर अल्टीमेटली। मैंने कई सारे केसेस ऐसे देखे, आप इसमें रस पाचक दीजिएगा, मैं बताती हूँ, आरोग्य वर्धिनी रस पाचक। यस मैम कोई वो फाइब्रोएडिनोमा वगैरह कुछ बताया है क्या उसके रिपोर्ट में? नहीं मैम, बिल्कुल नॉर्मल है मैम, लेकिन उनको जब मेंसेस आते हैं ना, तो तब भी बहुत सीवियर पेन मतलब अब्डोमेन में भी होता है, और ब्रेस्ट में भी बहुत ज्यादा टेंडरनेस हो जाती है मैम उनको, और उनको इंजेक्शन भी लगवाना पड़ जाता है कभी। मेंस्ट्रुअल पेन के कारण? नहीं मैम, जो ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है, और अब्डोमेन में जो पेन होती है मैम, लोअर अब्डोमेन तो में। फाइब्रोएडिनोमा ही है ये तो, एक सरासर ना। तो ठीक है, हम लोग इसको ना पहले रस व स्रोतस की दृष्टि को, महिला कुछ वात प्रकोप और पित्त प्रकोप के हेतु मिले क्या महिला में आपको? नहीं मैम, उनमें कॉन्स्टिपेशन बहुत क्रॉनिक है मैम। हाँ बिल्कुल, मैंने बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन है, रस धातु की विकृति है ना, तो कॉन्स्टिपेशन होगा यस ही मैम होगा। या तो इसमें आपने ना रस पाचक दीजिएगा, आरोग्य वर्धिनी, गुरुची यस मैम और फिर कांचनार, ओके मैम अशोक और वरुण, तीनों का काढ़ा अशोक वरुण। मैम। हाँ कांचना, अशोक और वरुण, इसका कामकाज क्या करती है बताइए महिला? मैम वो हाउसवाइफ ही है, मतलब ऐसे उनका कोई मतलब ज्यादा काम नहीं होता, वो बुटीक का काम करती है मैम। जैसे ना मतलब उन्होंने ऑर्डर देना होता है सूट वगैरह स्टिच करवाने के लिए ना आगे कारीगर को, और कोई उनका काम नहीं है मैम, ऐसा कोई हार्डवर्क नहीं ठीक है है। उनका, और चंदन उनको बला लाक्षादी स्ट्रेस तेल भी का बहुत लगती है अभ्यंग मैम। करें? यस मैम स्ट्रेस बहुत है उनमें। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस बहुत है ना, तो हम लोग इसमें ना ये भी करवा देते हैं, आगे चलकर ना शिरोधारा वगैरह भी काम करेगा। अच्छा यस मैम। मैम आपने कौन सा बोला लेप? चंदन नहीं, तेल लगाना है, चंदन बला लाक्षादी तेल का अभ्यंग बताइएगा उसको। ओके मैम अभी तो आरोग्य वर्धिनी और ये सारा भी पेन के लिए ना, दशमलारिष्ट तो देना चाहिए एक्चुअली, दशमलारिष्ट भी काफी लाइक वात शमन का भी काम करता है ना, और वात कफ दोनों के लिए भी ये काम करेगा। तो आपने एग्जामिनेशन किया क्या, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करवाया क्या खुद मैम, से? आपने जैसे पिछला लेक्चर लिया था ना मैम, जो उसमें आपने मतलब शेयर की थी पीपीटी वगैरह, मैंने वैसे किया, कुछ भी मतलब है मिला नहीं मैम उसमें, बस स्वेलिंग थी थोड़ी सी बस, और कुछ नहीं था। जब निप्पल को टच करते थे तो मतलब स्टिकी सा मतलब डिस्चार्ज होता था मैम। तो उसको ना वो थोड़ा लाइक बस एक एकाध और एक ऑब्जर्वेशन में रहे महिला, कि कुछ ओके कहीं ना मैम कहीं पाल्पेबल कोई मास पल लाइक लंप वगैरह ना रहे उसको, वो मैम वो ऑब्जर्व नहीं है करते रहे। बिल्कुल भी मैम, हाँ तो सिस्ट बस टाइप भी कुछ नहीं है जैसे मतलब। वो इग्नोर करे बस, हम लोग ना थोड़ा उसके ना वात और पित्त या रस व स्रोतस के ऊपर काम करेंगे। तो ये आरोग्यवर्धिनी ये सारा चलने दीजिएगा आप। फिर नेक्स्ट इसमें अभी मैंने कांचनार और इसका काढ़ा दिया है, नेक्स्ट इसमें कांचनार गुगुल ऐड करवाते हैं नेक्स्ट इसमें 15 दिन के बाद। अभी तो फाइब्रोएडिनोमा के जैसे या स्तनशोफ के जैसे ही इसको विकार को तो हम लोगों को देखना है, और ये काफी मैम केसेस चल रही है आजकल। एक बार उसका ना प्रोलैक्टिन लेवल करवा दीजिएगा, ओके एक बार मैम प्रोलैक्टिन। मैम और थायराइड किया क्या? थायराइड भी करवाना थायराइड चाहिए, उनका नॉर्मल है। प्रोलैक्टिन करवा दीजिएगा, या एक अगर ओके पेशेंट को कंफर्टेबल हो
तो कहीं ना कहीं कभी कभी ना पिट्यूटरी ग्लैंड की एबनॉर्मलिटी में भी ये लाइक सिक्रेशंस, मिल्क सिक्रेशंस जैसे सिक्रेशंस होते हैं, ब्रेस्ट सिक्रेशंस आर देयर ड्यू टू पिट्यूटरी ग्लैंड की विकृति. तो ये MRI करवाइएगा पेशेंट का एक, जैसे अभी ऐसे अर्जेंट नहीं है, एक आध महीने में करूँ. बट उसका अभी हम लोग ये दीपन पाचन रस धातु और गुरुचि देते हैं ना. मैम मैंने दीपन पाचन के लिए उन्हें त्रिकटु चूर्ण दिया था मैम. नहीं रस पाचन लीजिएगा. नहीं नहीं हमें रसव स्त्रोत की दुष्टि को कम करवाना है, रसव स्त्रोत का, क्योंकि स्तन्य है ना, तो रसव स्त्रोत के ऊपर काम करवाना है. ओके मैम. अगर रसपाचक नहीं मिले तो पटोल, निम्ब, किरातिक्त मुस्ता इनका काढ़ा दीजिएगा मैम. पटोल, निम्ब, मुस्ता, किरातिक्त इनका काढ़ा. ओके मैम. ये सभी क्योंकि रस, देखिए रसव स्त्रोत की विकृति है तो आर्तों की विकृति है और स्तन्य की विकृति. आप समझिए जैसे आप अभी यंग है ना, तो इन सभी संप्राप्ति का विचार करिएगा. और ये एक प्रकार से मेनोपॉजल एज में ही है पेशेंट, तो कहीं ना कहीं वात जनित इसके अवस्था की तरफ वो बढ़ रही है. तो पेशेंट को वात प्रकोप जो ये है उसको हम लोग विरेचन भी देते हैं आगे, जैसे आपने बताया कॉन्स्टिपेशन है तो वात प्रकोपक हेतु वो कम करे, स्ट्रेस ना ले. उसको आप लाइफस्टाइल बता दीजिएगा, हल्का सवेरे प्राणायाम योगा वगैरह बता दीजिएगा, नींद की अच्छी होनी चाहिए, वो सारा बता दीजिएगा उसको. यस मैम. अभी 7 days उसको ना अग्नि के ऊपर भी अच्छा परिणाम मिलेगा एंड इवन कॉन्स्टिपेशन भी उसका कम हो जाएगा. यस मैम. तो मैम अभी इनमें अनुलोमन वगैरह कुछ नहीं करवाएंगे हम? एक बार दीपन पाचन हो जाने दीजिएगा फिर हम लोग अनुलोमन. ओके मैम. तो मैम अभी फिर त्रिकटु चूर्ण चलने दूं जब वो बंद करके ये स्टार्ट कर दूं? नहीं त्रिकटु चलने दीजिएगा, 3 दिन दे दीजिएगा, फिर रस पाचक आप 5 दिन का दे दीजिएगा. कोई सब कोई ओके मैम. ठीक है मैम. तो मैम आरोग्यवर्धिनी और ग्लोए और जो आपने कांचन और अशोक वरुण आदि का काढ़ा बोला है तो ये 15 दिन चलने दे फिर? ओके मैम. और ये केस मुझे फॉलोअप में दीजिएगा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं. यस मैम बिल्कुल मैम. तो मैम रसपाचक मतलब वटी होती है? हाँ जा इनका वटी मिलती मैम. मुझे वो 15 दिन लग जाएंगे मंगवाने के लिए, तो मैं यही काढ़ा ही दे दूंगी मैम. ये मिल जाएगा ना, फिर उसको ना 15 ml काढ़ा दीजिए खाने के बाद में, चलेगा. ओके मैम. ओके मैम. ओके मैम. थैंक यू मैम. या चलिए, तो आज के सत्र में हमने इस प्रकार से पोस्टनेटल ओबेसिटी सिंड्रोम को लेकर चर्चा की है. आरती जी ने रिकमेंड किया था, बट आरती जी का माइक कल से बंद है, पता नहीं पेशेंट्स होते हैं शायद इस समय पे सभी के पास. सो ठीक है, कोई बात नहीं. तो नमस्कार सभी को, फिर कल मिलते हैं. कल के लिए भी मुझे टॉपिक बताते रहिएगा रंजीत जी, चित्तरंजन जी, सभी लोग. मैम ग्रैनी पे ले लीजिए मैम कल. अरे ग्रैनी का आप डालना था ना आज ग्रुप पे. ओके यस मैम प्लीज. थैंक यू मैम. चलिए ओके नमस्कार सभी. ओके मैम. थैंक यू.